नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। आज हम दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारी जो पहली अपडेट है वो तेजस MK2 के डेवलपमेंट को लेकर होने वाली है। इसमें हम तेजस MK2 के रिट्रैकेबल प्रोब और ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वहीं हमारी दूसरी अपडेट इंडियन आर्मी द्वारा लीज की जा रही हिरॉन ड्रोन्स को लेकर है। इसमें हम हिरॉन ड्रोन्स के डेवलपमेंट और कैपेबिलिटीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले अपडेट की। इस मंथ के शुरुआत में यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के बीच एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, जिसमें यूके इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप को और आगे ले जाने के लिए डिस्कशन हुआ था। इस मीटिंग में यूके ने इंडिया के LCA तेजस MK2 प्रोग्राम के डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए बात करी थी। अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि ब्रिटिश एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कॉबहैम लिमिटेड LCA तेजस MK2 के लिए रिट्रैकेबल एक्चुएटेड प्रोब डेवलप करेगी। रिट्रैकेबल एक्चुएटेड प्रोब का इस्तेमाल एयर टू एयर रिफ्यूलिंग मिशन में किया जाता है। वहीं नॉन रिट्रैकेबल प्रोब के कंपैरिजन में रिट्रैकेबल प्रोब का एरोडायनेमिक्स परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि रिट्रैकेबल प्रोब में एरोडायनेमिक्स ड्रैग नहीं होता है। वहीं नॉन रिट्रैकेबल प्रोब फिक्स होने के कारण उनमें एरोडायनेमिक्स ड्रैग होता है, जो कि उनके ओवरऑल एरोडायनेमिक्स परफॉर्मेंस को कम कर देता है। तेजस के प्रोडक्शन वेरियंट के लिए जो रिट्रैकेबल प्रोब बनाया जाएगा उसका डेवलपमेंट HAL और कॉबहैम ज्वाइंटली मिलकर करने वाले हैं। अब अगर हम बात करें कॉबहैम लिमिटेड की, तो ये कंपनी काफ़ी पुरानी है और प्रोब्स के डेवलपमेंट की नंबर वन कंपनी है। साब ग्रिपन में यूज़ होने वाले टेलीस्कोपिक प्रोब और F-35 में यूज़ होने वाला एक्चुएटेड प्रोब दोनों ही कॉबहैम के द्वारा डेवलप किए गए हैं और साथ ही साथ इन्हें इंटीग्रेट भी किया गया है। इससे तो एक बात एश्योर होता है कि तेजस MK2 के लिए जो रिट्रैकेबल प्रोब डेवलप की जाएगी वो वर्ल्ड क्लास की होने वाली है। तेजस MK2 एक 4.5 जनरेशन का सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट होने वाला है। इसमें तेजस MK1 से ज़्यादा पावरफुल इंजन GE414 को यूज़ किया जाएगा, जो कि 98 kN तक का थ्रस्ट विथ आफ्टर वन जनरेट करेगा। इसका डिज़ाइन टेललेस कंपाउंड डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन का होने वाला है, जो कि हाईली मनोरेबल होगा। तेजस MK2 का पहला प्रोटोटाइप 2022 तक बनाकर तैयार हो जाएगा और इसका टेस्ट फ्लाइट 2023 में स्टार्ट हो जाएगा। 2026 से इस फाइटर जेट को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करने का प्लान किया गया है। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे अपडेट की, जो कि इजरायली हिरॉन ड्रोन्स को लेकर है। लास्ट ईयर इंडिया चाइना के स्टैंड ऑफ को देखते हुए PM नरेंद्र मोदी ने इंडियन आर्म फोर्सेस को इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर ग्रांट किया था, जिसके अंतर्गत 500 करोड़ तक के डिफेंस इक्विपमेंट के परचेस की मंजूरी दी गई थी। इसी फाइनेंशियल पावर का इस्तेमाल करते हुए इंडियन आर्मी ने इसराइल के साथ 4 हिरॉन ड्रोन्स को लीज पर लेने के लिए जनवरी में ही एग्रीमेंट किया था। अब ANI के माध्यम से खबर निकलकर सामने आ रही है कि ये 4 ड्रोन्स जल्द ही इंडियन आर्मी को डिलीवर कर दिए जाएंगे। ये ड्रोन्स पहले के मुकाबले हिरॉन ड्रोन्स से बेटर होने वाले हैं। इन ड्रोन्स की एंटी जैमिंग कैपेबिलिटी भी प्रीवियस ड्रोन से बेटर होगी। इन ड्रोन्स का डेवलपमेंट इंडियन आर्मी लद्दाख और LSE बॉर्डर के करीब में करने वाली है, जिससे चाइनीज गतिविधियों पर नज़र बनाई जा सकेगी। अगर हम हिरॉन ड्रोन्स की बात करें तो ये एक मीडियम एल्टीट्यूड का लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन है। इसका ऑपरेशनल एल्टीट्यूड 10.5 किलोमीटर है और इंड्योरेंस 52 आवर्स का है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 207 किलोमीटर पर आवर की है। इस ड्रोन के साथ थर्मोग्राफिक या इंफ्रारेड कैमरा, विजिबल लाइट, एयरबॉर्न ग्राउंड सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस सिस्टम और भी कई तरह के रडार सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसकी टोटल पेलोड कैपेसिटी 250 केजी तक की है। हिरॉन ड्रोन्स की मदद से टारगेट एक्विजिशन और आर्टिलरी का एडजस्टमेंट भी किया जा सकता है।
जो कि माउंटेन वारफेयर में काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। वहीं ये ड्रोन्स ऑलरेडी बैटल प्रूवन है। गाजा में ऑपरेशन कास्ट लीड के दौरान हिरोन ड्रोन्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। इन ड्रोन्स की मदद से इजरायली ग्राउंड फोर्सेस को काफ़ी ज़्यादा सिचुएशनल अवेयरनेस मिली थी। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कारण जरूर बताएं, ताकि अगली बार हम वीडियो को और भी अच्छे तरीके से आपके सामने रख सकें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद की सेना।